सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट रफेल डील को लेके है। आप सभी को याद होगा, रफेल डील में ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से बार बार एलिगेशन लगाने के बाद इस मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जा रहा है और पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रफेल की सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल को सबमिट करने के लिए गवर्नमेंट को कहा गया था और इन डिटेल को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को रफेल डील की प्राइसिंग डिटेल को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का ऑर्डर दिया था और ये डिटेल सबमिट करने के लिए उन्हें 10 दिन का मोहलत भी दिया गया था। पहले गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि ये डिटेल शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद अभी गवर्नमेंट की तरफ से रफेल डील की प्राइसिंग डिटेल को सबमिट कर दिया गया है और इस पर अभी वेडनेसडे को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। अगला अपडेट आकाश एनजी को लेके है। इसी साल जून या फिर जुलाई में एलएनटी डिफेंस के द्वारा आकाश एनजी मिसाइल का एक झलक दिखाया गया था और ये बताया गया था कि अगले साल जून या फिर जुलाई के अंदर ही आकाश एनजी का डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू होने वाली है। इसको लेके कुछ नई अपडेट अभी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इसे एमआर साम और एलआर साम से लिए गए टेक्नोलॉजी और सीख से बनाया जाएगा और इसमें डुअल प्लस सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम और इंडिजिनियस सीकर के साथ साथ एक एएसआर रडार का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो कि इसे अपनी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकेगी। कुछ सोर्सेस का कहना है कि इसकी रेंज 35 से 50 किलोमीटर तक होने वाली है और इसे एमआर साम का एक सस्ता अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि इसकी रेंज 55 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। वियतनाम की तरफ से भी इस मिसाइल को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया है और आकाश वन वेरिएंट को वियतनाम में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी कोशिश की जा रही है और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाला है। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके है। दोस्तों, आज इंडिया की एक लीडिंग डिफेंस न्यूज साइट पर एक आर्टिकल आया है जिसमें यह बताया गया है कि तेजस MK2 में रशियन AL-31F इंजन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। यह आर्टिकल किसी गेस्ट ऑथर ने लिखा है तो ये कितना सच है ये बताना मुश्किल है। आप सबको पता होगा कि तेजस MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन के लिए ऑर्डर दिया गया था और अभी भी ऑफिशियली यही बताया जाता है कि तेजस MK2 की पहली वेरियंट में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी जिस तेजस MK2 की बात हो रही है ये अपने प्रीवियस डिजाइन से काफी अलग है और अभी एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर बनने वाली है, जो कि मिराज 2000 और MiG-29 जैसे फाइटर्स को रिप्लेस करने वाला है और ये आगे चल के सुखोई 30 MKI और रफेल के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की एक मेन फाइटर बनने वाली है। तेजस MK2 की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी अभी तेजस MK2 की प्रीवियस वेरियंट के मुकाबले काफी बढ़ने वाली है, जिस वजह से इसे एक पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन तेजस के इंजीनियर्स का दावा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन तेजस के लिए सफिशियंट थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, लेकिन जिस ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है उनका मानना है कि अगर तेजस MK2 में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन के बदले AL-31F इंजन का इस्तेमाल किया जाए तो ये करीब 123 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और ये अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन की वजह से तेजस को और भी बेहतर मैन्युवेबिलिटी दे सकती है और अभी इन इंजन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनकी सोच तो काफी अच्छी है, लेकिन बड़े इंजन को तेजस में लगाने के लिए इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे और एक इंजन जितना ज्यादा थ्रस्ट को जनरेट करता है उसी हिसाब से उसे फ्यूल की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इस इंजन को एक बार को तेजस में सही तरीके से लगा भी देते हैं तो तेजस की ऑपरेशनल रेंज रिड्यूस हो जाएगी और इसे बरकरार रखने के लिए हमें तेजस में ज्यादा फ्यूल को कैरी करने की जरूरत पड़ने वाली है और इसके लिए तेजस की एयरफ्रेम और फ्यूल टैंक्स में काफी सारे मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से जो तेजस के ओरिजिनल डिजाइनर्स ने उनको बेहतर तरीके से पता है कि कौन सा इंजन तेजस MK2 के लिए सही रहेगा और अभी तक तेजस MK2 की डिटेल स्पेसिफिकेशन को पब्लिक नहीं किया गया है, तो हो सकता है तेजस में इस इंजन का इस्तेमाल किया जाए और तेजस को इसी इंजन के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जाए। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइना की तरफ से अभी अपनी नई लेजर वेपन सिस्टम को जुहाई एयरशो के अवसर पर डिस्प्ले किया गया है। इस सिस्टम को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की तरफ से डिस्प्ले किया गया था। ये एक टैक्टिकल रिकॉग्नाइज लेजर वेपन सिस्टम है और इसका नाम LW-30 है। इस सिस्टम में एक रडार कमांड कम्युनिकेशन व्हीकल, एक लेजर व्हीकल और एक सपोर्ट व्हीकल है
और इस सिस्टम को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फिट किया जा सकता है, चाहे वो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर कोई क्लोज इन वेपन सिस्टम हो। चाइना क्लेम करती है कि ये हाई एनर्जी लेजर्स को इस्तेमाल करके ड्रोन्स, ग्लाइड बॉम्ब्स और मोर्टार जैसे टारगेट को नष्ट कर सकता है। अगला अपडेट Gsat-29 को लेके है। इसरो अभी Gsat-29 को लॉन्च करने के लिए जोरदार तैयारी कर रही है और इसे 14 नवंबर को लॉन्च किया जाने वाला है। और इसरो की तरफ से ये बताया गया है कि इसे स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन को नजर में रखकर लॉन्च किया जा रहा है। इसे 14 नवंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इसमें 2 KU और K बैंड के मेन पेलोड्स होने वाले हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिकेशन सर्विस को प्रोवाइड करेगी। इसरो के चेयरमैन के सिवन जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि Gsat-29 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने की वजह से ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है। साथ ही इसमें मेन पेलोड्स के अलावा 3 एडिशनल पेलोड्स भी शामिल हैं, जो कि फ्यूचर में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक टेस्ट बेड के तौर पर हमारे लिए काम करने वाले। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन को 3 जनवरी को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है और अगर वो किसी वजह से ये डेडलाइन को मिस करते हैं तो इसे 16 फरवरी के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा और इसरो कॉन्फिडेंट है कि वो 16 फरवरी के अंदर ही इसे लॉन्च करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आज हमारे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी ने जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी एक्टिविटीज़ को नज़र में रखते हुए वहाँ के नौजवानों को ये मैसेज दिया है कि वो आतंकवाद के रास्ते पर ना चलकर मूल स्रोत में शामिल हो सकते हैं और आर्मी की तरफ से उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो इस रास्ते पर ना चल के सही रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि आतंकवाद के रास्ते पर चल के वो ना तो कुछ हासिल कर सकते हैं और ना ही वो ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं। और आर्मी की तरफ से उनको एक तरह से वार्निंग भी दिया गया है कि अगर वो वापस सही रास्ते पर नहीं आते हैं और आतंकवाद को चुनते हैं तो आर्मी उनके ऊपर कड़ा कदम लेने वाली है, क्योंकि आर्मी के पास और कोई भी रास्ता नहीं है और ये सिर्फ हमारी आर्मी है जो कि इतनी नफरत और पत्थरबाजी को बर्दाश्त करके संयम के साथ काम कर रही है। वहीं पर अगर इसराइल, अमरीका, रशिया और ब्रिटेन जैसा कोई देश होता तो वो थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।